अच्छा काम करने के बाद शासन की तरफ से उनको ऐसा इनाम मिलता है तो बहुत दुख की बात है। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ हैं इजाज़ खतीब जी से जानते हैं कि दो दिन पहले जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफ़र हो गया, क्या ये सही है क्या? क्योंकि उनको आकर के 4 महीना ही हुआ था। आप समाज सेवा करते रहते हो, आपका इंट्रैक्शन है लोगों से भी, लोग क्या सोचते हैं कि क्या वो जो डिसीजन है वो सही है? क्या चंद्रकांत डांगे जी ने मीरा भाईंदर में COVID-19 के पीरियड में सही काम किया है या नहीं किया है, आपकी नज़र से क्या कहेंगे? देखो, मेरी नज़र से वो एक अच्छे अधिकारी थे, ऐसे कमिश्नर मुझे नहीं लगता कि मीरा भाईंदर में आए जो आम जनता को वो टाइम देते थे और मिलते थे और उनके प्रॉब्लम सुन के वो हल भी करते थे। उनमें ईगो नहीं था, IAS थे, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने एटीट्यूड दिखाया नहीं। इवन मैं आपको बोलूँ, उनके स्टाफ भी उनसे खुश थे और दिन रात, मतलब 4 महीने से आए, 4 महीने के बाद मेरे ख्याल से 3 महीने तो COVID-19 का जो और रहा उसमें ही वो उसको ही सेट करने लगे ले कि मीरा भाईंदर में कोविड पेशेंट कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी मिली। तो इस थोड़े कम वक्त में इन्होंने काफ़ी चीज़ और मीरा भाईंदर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, ठीक है। और आदमी है, फरिश्ता तो नहीं है, थोड़ी बहुत गलती होती है। उन्होंने संडे की छुट्टी भी संडे बोल के उन्होंने शायद मनाए नहीं रहेंगे, रात में लेट तक बैठना, संडे के दिन छुट्टी के दिन भी जैसा आम ड्यूटी रहती है वैसा वो आना और मीरा भाईंदर के बारे में सोचना, मेरे ख्याल से इनकी ट्रांसफ़र करने के बाद ऐसा ना, आज ना कल तो जाना है, लेकिन इतना जल्दी जाना मतलब एक दुखद बात है मीरा भाईंदर के लिए। और मीरा भाईंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे गया इनके जाने से, क्योंकि वो समझ गए थे मीरा भाईंदर को कि कैसा क्या करना है, क्या करना है, लोगों का टेस्ट समझ में आया था उनको कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। और अच्छे से वो, क्योंकि जब वो आने के बाद एक COVID-19 में रमज़ान महीना आया, उसके बीच में बड़े बड़े त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम सबके बड़े बड़े त्यौहार है, उनको उन्होंने अच्छे से उसको टैटल किया। मैंने देखा स्टार्ट में जो कोरोना वायरस आया तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोरोना वायरस बोलते तो ऐसा 10 फुट दूर से ही उन लोगों को भगा डालते थे, लेकिन डांगे साहब ने उनको बुला के उनसे मीटिंग लेके तो आज जितने भी प्राइवेट वाले वो सब कोरोना पेशेंट लेते हैं, उसका ग्रेड जाता है कमिश्नर चंद्रकांत डांगे साहब को। आज टेम्बो हॉस्पिटल था, वो टेम्बो हॉस्पिटल क्या था हमारे मीरा भाईंदर की जनता जानती है। आज उसको इतनी हाईफाई मतलब वेंटिलेटर, मतलब बम्बे के अभी मैं सोशल वर्क करता तो मुझे फ़ोन आता है, बम्बे वालों को फ़ोन आता है, दहिसर बोरुली या बॉम्बे से, कि भाई आपके वहाँ अगर ICU खाली रहेगा तो हम हमारे पेशेंट को वहाँ लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है और फैसिलिटी अच्छी है। क्यों? हमारे मीरा भाईंदर के लोगों को अच्छी सी मतलब उनको अच्छी सहूलत मिले, ये बात। तो अच्छा काम करने के बाद शासन की तरफ से उनको ऐसा इनाम मिलता है तो बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि लास्ट में इन्होंने ये कहा कि अच्छा काम करते हुए अगर शासन इस तरह का इनाम देती है तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। मनपा आयुक्त मीरा भाईंदर के जो मनपा आयुक्त थे, मतलब ये कह सकते हैं चंद्रकांत डांगे जी, दो दिन पहले जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्या लगता है उनका ट्रांसफ़र ऐसे COVID-19 के टाइम पे जब उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हर तरफ काम किया तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग तो जो आम जनता है तो बहुत सरप्राइज है ये डिसीजन को लेकर कि ऐसा कैसे हो गया। इतने अच्छे ऑफिसर थे, काम कर रहे थे, हमारी बातें सुनते थे, हमको वक्त देते थे, जब भी हमको कोई भी तकलीफ आई हमको उन्होंने पूरा वक्त दिया, पूरा मतलब सहानुभूति से उसे सॉल्व करने की कोशिश की उन्होंने। कामकाज तो आपने देखा होगा, चूंकि लॉकडाउन में आप लोगों ने भी बड़े बढ़ चढ़ करके जो है लोगों की मदद के लिए जो है काफ़ी हिस्सा लिया है, लोगों को आपने राशन वगैरह आप लोगों की टीम ने पहुंचाया है, तो इन दिनों जब आप मूव कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा क्या कि चंद्रकांत डांगे जी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या ऐसा वो सही नहीं है यहाँ के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो काफ़ी स्टर्न और स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए और काफ़ी मतलब लॉकडाउन किया, बहुत स्ट्रिक्ट उसको फॉलो किया, उसको मतलब मेडिकल ग्राउंड्स पे ये करना, टेस्टिंग कराना या और कंटेनमेंट जोन बनाना, सब कुछ बराबर किया। बट आम जनता
परेशान है और समझ में नहीं आ रहा ये डिसीजन अचानक क्यों आया यहाँ पर। सज्जाद भाई, जैसा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का दो दिन पहले ट्रांसफर हो गया है, क्या ये सही है? क्या उनका कामकाज सही था या गलत था? एज ए व्यूवर्स, आप हमारा चैनल भी हमेशा देखते आते हो और आप जो है मीरा भाईंदर के नागरिक हो, तो क्या कहोगे? ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। जैसे कि मुझे पता चला तो बड़ा शॉक लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि एक जो इंसान बहुत अच्छी तरह अपना घर मीरा भाईंदर को अपने घर समझ के जिस तरह ये कर रहा है, और उसके ऊपर सडनली मतलब उनको वक्त भी नहीं मिला और ऐसे माहौल में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उन लोग को सडनली चेंज करना, तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। जैसे कि स्टार्ट में आप देखोगे कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मीरा भाईंदर से, मेरे भाईंदर में भी बहुत सारे दोस्त हैं मीरा भाईंदर शांतिनगर के बड़े लोग, ये होते थे कि यार मुंबई में इतनी छूट है यहाँ क्यों ये कर रहे हैं, वहाँ इतनी छूट है यहाँ इतने क्यों स्ट्रिक हो रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रिक का असर हमने अभी देखा, जिस तरह मीरा भाईंदर नया नगर शांतिनगर बोले बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे जो हिसाब से नहीं बढ़े। आप अगर देखो तो दूसरे मुंबई साइड आपको बहुत छूट मिलेगी, मीरा भाईंदर ने अपना एक ये रखा था लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अपने घर जैसा समझा। जैसा कैलाश बरवे साहब ये नया नगर के ये है PI है, उन्होंने अपना मतलब मैंने उनको देखा रात दिन मतलब जब ही देखो इधर इधर घूमते रहते थे और अपने घर जैसा अपनी फैमिली जैसा समझ के उनको मतलब हैंडल किया। यहाँ तक के कोई संडे के दिन निकले के जैसे म्यूजिक लगाया उन्होंने और एंटरटेनमेंट करते लोगों को कि बोले एंटरटेन करते, लोग घर में पक गए होंगे कि इनको एंटरटेन करते कुछ अगर। ये तो मैंने अपनी लाइफ में 40 साल में कभी देखा नहीं कि ऐसा भी होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर इतना अपने घर तरह। मैं उनकी रियली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जैसे चंद्रकांत डांगे साहब इन्होंने तो रियली बहुत अच्छा काम किया, मैं तो शौक हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों ये हैं सज्जाद जी, जब मैंने उनसे पूछा कि आयुक्त चंद्रकांत मीरा भाईंदर के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने बोला ये मेरे लिए शॉकिंग है क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, काम बहुत अच्छा। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि ये इधर लॉकडाउन कर रहे हैं उधर लॉकडाउन कर रहे हैं इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ना, कोरोना को हराना था और इसलिए उन्होंने कई जगह पर स्ट्रिक्ट भी किया। बाद में जब ऐसा लगा उनको तो उन्होंने छूट भी दिया और नो डाउट उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा था। तो लोगों में बात को सुन के शॉकिंग लग रहा है, मतलब लोग ऐसा सोच रहे कि इट्स शॉकिंग न्यूज़, तो आप सोच सकते हैं कि उनका काम ज़रूर अच्छा होगा जो लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इस्माइल, आपको पता है कि पिछले दो दिन पहले जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफ़र हो गया, 4 महीना हुआ था उनको आकर के, क्या आपको उनके कुछ कामकाज के बारे में नॉलेज है क्या कि उनका जो परफॉर्मेंस था मीरा भाईंदर में कैसा था और इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होना सही है क्या? सर देखिए, जहाँ तक मैं देखा हूँ जब से वो आए थे उन्होंने बहुत काम किया और जहाँ तक जब देखे वो तब COVID-19 को लेके कर रहे थे, उन्होंने अच्छे सब आइसोलेशन वार्ड हो चाहे उसका संभालना हो COVID-19 को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और 2 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि वो एक ऐसे कमिश्नर थे जो बहुत इजीली एक्सेसिबल थे। दोस्तों ये एकदम यंग हैं और इन्होंने ये कहा है कि वो बहुत आसानी से लोगों की पहुंच में थे, यानी मिलते थे बहुत आसानी से, लोगों से बातचीत करते थे और समस्या का समाधान करते नज़र आए। ऐसे में इनको भी ये मालूम पड़ा तो ये बोल रहे हैं ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि उनका तबादला हो गया। थैंक यू सो मच। बिलाल कांबले जी, आपने सुना होगा कि दो तीन दिन पहले जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त थे चंद्रकांत डांगे जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनको 4 महीना ही हुआ था, तो क्या उनका परफॉर्मेंस कैसा था और इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होना सही है क्या? जहाँ तक का मैं दहिसर का जो चेक नाका है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो मैंने उनके बारे में तो काफ़ी यही सुना हूँ और मैं कुछ जानता भी हूँ कि उन्होंने COVID-19 के टाइम पे जो भी फैसिलिटीज़ लगती थी हमें और यहाँ के मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा सबके लिए काम करे। और मेरे लिए तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि उनका ट्रांसफ़र हुआ कैसे, इन 4 महीने में उन्होंने बहुत कुछ किए मीरा भाईंदर के लिए, तो ये इट्स वेरी स्ट्रेंज और ये काफ़ी एक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया इस चीज़ का कि वो आखिर क्या कारण है जिसके वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया है। अगर जो इंसान काम कर रहा है इतना अच्छे से और ऐसे इंसान का अगर ट्रांसफ़र होएगा तो फिर इसका मीनिंग क्या है, हमको इसका मीनिंग चाहिए इस चीज़ का। तो दोस्तों इनका भी कहना है, यानी जो लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं कि चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बातें शॉकिंग ही है। थैंक यू सो मच।